रुपए मेरे पर्स में डाल दीजिए, मैं आपकी तन्हाई में जान डालता हूँ। सोनियो, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री विच बाबरा शरीफ साहिबा अपने वक्त की बहुत वड्डी हिरवन होई, कमाल अदाकारा सन। एक वेला उन्होंने ऐसा जो बंदे ते रूज हुंदा ना, उहदा दिमाग बहुत असमान ते हुंदा, कि किसी नूं बंदे नूं बंदा नहीं समझदा, तो हर बंदे ते 100 विचों 99 बंदियां ते जिहड़ा उहना वेला आ जांदा हुंदा कि उह शोहरत, फिर उह इज्जत दौलत, उह सारा कुछ जिहड़ी है ना पापूलैरिटी, उह हजम नहीं हुंदी। इह हजम करना जिहड़ा ना किसी किसी दिल गुरदे दा काम हुंदा, इन्हों को भी वह कम सामभिया ना गया। 1977 का मैं थोड़े वाकया शेयर कर लगा कि जो इन्हों का दिमाग हिलिया, इनका गुरूर फिर एक माड़े जे डायरैक्टर ने किस तरह तोड़िया। लो फिर जो चैनल पर अगर नवे आ गए तो मुहब्बत ना सोने सबसक्राइब तो कराया करो यार, मुहब्बत दे आ करो थोड़े वास्ते। इस तरह के वाकयात असं जरा ना समझो कि खोज ला ला के जरा लैके आने। सोनियो, 1977 का साल है, तो फिल्म बन रही है जी सलाखें, जिदे विच बहुत वड्डा रोल कर रहे ने शहनशाह जज्बात जनाब मुहम्मद अली साहब, उहदे विच हिरवन दा रोल कर रही ने बाबरा शरीफ साहिबा। डायरैक्टर कौन वाला, जिन्हों बकौल पूरी दुनिया दे मैं कहांगा कि वड्डा राइटर, और मौला जट, वैशी जट दी लैजण मौले, इंतहा दीआं फिल्मां लिखण वाला बंदा, सैकड़ां इंतदाद नाल फिल्मां लिखण वाला बंदा। नासर अदीब साहब दे बकौल कहिंदे ने बरे संगीत दा वड्डा डायरैक्टर है जनाब हसन अस्करी साहब, वह फिल्म बना रहे हैं, डायरैक्टर वो ने। उस 77 तो पहले 75 तुहानू पता, वह वैशी जट उन्होंने सुल्तान राज साहब की बनाई, जिन्हें जनाबे ट्रेंड सैट कर दिता, असी एक धारा फिल्म इंडस्ट्री का मोड़ के रख दिता, असी हर पासे पंजाबी फिल्मों का जोर शोर से, वह फिल्म बना रहे उर्दू। हुण बाबरा शरीफ साहिबा ने आख्या कि एक पंजाबी फिल्मों वाला बनाने वाला डायरैक्टर, ये तो मेरा सत्यानाश कर देगा, ये उर्दू फिल्म बना सकता साड़ी, मुहम्मद अली साहब लैके मैनू लैके बना सकता, लिहाजा मैं यदि फिल्म च नहीं काम करना, इनू फिल्म बनानी कितों आती है, ये जाए कि गंडासे बड़कों छिड़क बनाए जाके, यानी कि इन्ना दिमाग हाई सी बीबी का। हालांकि वैशी जट कोई आम मामूली फिल्म नहीं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की, मौला जट तो पहले जी सब तो वड्डी फिल्म ही हो, पर की कीता जा सकता। उस वेले जनाब अली परेशान हसन अस्करी साहब की, यह की बन रहा भाई, असी एड्डी शानदार फिल्म दे के तो यह बीबी किहो जिहियां गल्लां करी जा रही। हुण इस चीज़ नूं जनाब अली हैंडल किने कीता, जिहड़े इस फिल्म च बहुत वड्डा रोल कर रहे हैं शहनशाह जज्बात मुहम्मद अली साहब, उन्होंने समझाया, क्योंकि डायरैक्टर ने आख्या कि तुसी अली भाई तुसी समझाओ यार इहनूं, इहदा दिमाग तेरा थले लियाओ, पहले कम तो साडा वेखे ना। चलो जी, अली भाई ने उन्होंने समझाया कि बाबरा कोई ख्याल कर, तू मन्निया तेरे हिसाब नाल नवां डायरैक्टर है, लेकिन पिछे तो वे उन्हें फिल्म कैसी दित्ती, तो जिहड़ा बंदा पंजाबी दी फिल्म बना सकदा उर्दू नहीं बना सकता, लै तू कम तो करना, चल तू इस तरह कर, एक शर्त ते कर लै, तू एक दो सीन वे शूट वेख सैट ते आके, जे तेनू उहदा कम करना पसंद ना ना आए तो तू बेशक फिल्म छड्ड दे। चलो जी, हुण मुहम्मद अली साहब दा उन्हें कोई कहना मोड़ तो नहीं देना, इंडस्ट्री का वड्डा बंदा होया, लिहाजा उन्हां दी मन के ना जदों शूटिंग में हिस्सा लैन लग पईआं, पहला सीन ही जदों शूट होण लग पिया तो वह मोहतरफ हो गई इस बंदे दी, मन गई कि वाकई डायरैक्टर है, तो जदों फिल्म सोनी लगी है तो सुपर डुपर हिट होई, गुरूर खाक च मिल गया इस बीबी का। लिहाजा मैं अक्सर किया करना वा कि कभी भी अपना दिमाग उच्चा ना रखो, कदों किस वेले रब किस घड़ी किसी मेहरबान हो जाए, समझ आई ना, कुछ पता नहीं लगता, वो इज्जत जिलतों का मालक उत्ते बैठा, जे थानू इज्जत दे सकता, थानू शोहरत दे सकता, किसी होर नहीं दे सकता, वो बेपरवाह मालक है।